नॉर्थ कोरिया के आईसीबीएम लॉन्च के बदले में साउथ कोरिया का एक्शन विजुअल्स दिखाइएगा 4060 में। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं, ये देखिए आप, साउथ कोरिया और अमेरिकन एयरक्राफ्ट, साउथ कोरिया F-35A स्टेल्थ जेट ने आसमान में उड़ान भरी। प्लीज स्टॉप लोकेशन बैंड में कुछ दीजिए इसमें यहां पर कि किस तरीके से उड़ान भरी है। जेट से ने लेजर गाइडेड GBU-12 बॉम्ब डमी टारगेट्स पर बरसाए। यूएस साउथ कोरियाई फोर्सेस ने कंबाइंड अटैक फॉर्मेशन बनाया। मैं चाहूंगा टिकर में इस ब्रेकिंग को डालिए और ये जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए आप, ये साउथ कोरिया के F-35A हैं जिनसे पूरी टेस्टिंग की गई और इसी से बौखला गया था नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया का एक्शन ये देखिए आप, F-35A स्टेल्थ जेट ने उड़ान भरी। सीधे दिखाइए, अब हमारे पास एक टू विंडो तस्वीरें हैं, दोनों दिखाइए जरा आप किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे डमी टारगेट को उन्होंने अटैक किया, दिखाइए जरा, ये देखिए, ये यहां पर आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव है। ये देखिए नॉर्थ कोरिया का मिसाइल लॉन्च और यहां पर यूएस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एयर ड्रिल। ये दोनों चीजें बता रही हैं कि कुछ तो है जो वहां पर सुलग रहा है। इस सब के बीच में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद टेंशन में आ चुका है अमेरिका। ब्रेक करें विद द विजुअल्स, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद एक्शन में कोरिया, दक्षिण कोरिया 50-50 में। राहुल विजुअल्स रखिए, यस, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद जापान परेशान है। किम जोंग की हरकतों पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। किम जोंग को रोकने के लिए चीन का दरवाजा खटखटाया। अब जो हमारे पास है फैक्ट्स हैं उसको देखिए, तो वह हम आपको बताने वाले हैं नॉर्थ कोरिया मिसाइल की वो रेंज जिसने अमेरिका तक को अपने टारगेट में ले लिया है। सोचिए आप जरा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है, उसके मिसाइलों की जो रेंज है वो कैसे खतरनाक होती जा रही है। आज नॉर्थ कोरिया ने जिस आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया उसकी रेंज कितनी होगी, ये देखिए आप नंबर्स, 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस मिसाइल की जद में पूरा का पूरा अमेरिका आ सकता है। किम जोंग अपनी मिसाइल से अमेरिका तक निशाना साध सकता है। यह खबर बाइडेन की टेंशन डबल करने वाली है क्योंकि किम के दोस्त पुतिन के पास पहले से ही 18,000 किलोमीटर तक टारगेट करने वाली Saturn II मिसाइल है। यानी किम और पुतिन दोनों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ अपने अपने हथियारों का ट्रैप बिछाया। अब किम का मिसाइल मीटर जिसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे, ध्यान से देखिए बाप, 48 घंटे में 2 मिसाइल टेस्ट किए गए। नेक्स्ट 2 नवंबर, 1 दिन में 23 टेस्ट किए गए। पिछले 10 महीने में 48 टेस्ट किए गए। 10 साल इससे पहले में सिर्फ 190 टेस्ट हुए। 1984 और 1912 28 साल में 31 टेस्ट किए थे, बस 31 28 साल में, और यहां पर एक साल में 48 कर दिए। 2006 से 2017 के बीच में 5 साल के अंदर 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए और अगला कभी भी कर सकता है। लेकिन आज जब नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल टेस्ट किया तो क्या हुआ, कैसे जापान से लेकर साउथ कोरिया तक खलबली मच गई और यह मिसाइल कहां जाकर गिरी, हैरान करने वाली रिपोर्ट। 15,000 किलोमीटर, 48 घंटे में उत्तर कोरिया ने 17 नवंबर के बाद 18 नवंबर की सुबह जो मिसाइल धमाका किया, माना जा रहा है कि वो अब तक का सबसे खतरनाक था। खतरनाक ऐसे ही कि उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये मिसाइल जापानी समुद्री सीमा में जाकर गिरी। जापान के PM के मुताबिक उत्तर कोरिया ने सुनान एरिया से सुबह 10:15 पर मिसाइल को फायर किया। ये मिसाइल पश्चिमी जापान के आइलैंड ओशिमा से 210 किलोमीटर की दूरी पर गिरी है। ये आइलैंड जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। इस मिसाइल की जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो है इसकी रेंज जो 15,000 किलोमीटर तक है। 15,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि जापान साउथ कोरिया के साथ सुपर पावर अमेरिका भी उत्तर कोरिया की मिसाइल की जद में आ चुका है। इस मिसाइल ने 6,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरी। ICBM मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसकी जद में करीब करीब पूरा अमेरिका आ जाएगा। तो अब नॉर्थ कोरिया अपने इस नई मिसाइल से अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने 2017 में पहली बार ऐलान किया था कि वो जल्द ही ऐसी मिसाइल तैयार कर लेगा जो दुनिया के किसी भी हिस्से में दागी जा सके। शुक्रवार को जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया, अमेरिकी फौज में भी हड़कंप मच गया। जापान के मिसावा एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया।
और यूएस एयरफोर्स के जवानों को शेल्टर में भेज दिया गया। उधर साउथ कोरिया भी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल थ्रेट से निपटने का तरीका ढूंढ रहा है। साउथ कोरिया के मंत्री के मुताबिक अब सियोल न्यूक्लियर वेपन हासिल करने पर विचार कर रहा है, या फिर अपनी जमीन पर अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की सोच रहा है। यानी साफ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। एक जरा सी चिंगारी कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी युद्ध भड़काने का काम कर सकती है।